हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ रीना। मैं आज आपको डिज़ाइनर कुशन कवर बनाना बताऊंगी, जिसके लिए हमें ये सामान चाहिए। जैसे साटन का कपड़ा चाहिए, धागा चाहिए, नीडल चाहिए, मेजरमेंट के लिए ये टेप चाहिए और एक बड़ा स्केल चाहिए। तो मैंने ये इस पे जो डिज़ाइन बनाना है उसको मैंने ड्रॉ किया हुआ है, जैसे ये पेपर पे ड्रॉ किया हुआ है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ यहाँ से यहाँ तक 31 इंच लिया है। लंबाई में चौड़ाई लंबाई चारों ओर से हमने 31 1 इंच लिया हुआ है। अगर हमें 16x16 का कुशन कवर बनाना है, उसके बाद हमने ये ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। तो जो हमने 31 31 ये लिया हुआ है चारों ओर, 31 में से ही हमें 2 2 इंच कपड़ा बाहर छोड़ना है। उसके बाद हमें ये 1 1 इंच के ब्लॉक्स बनाने हैं। जैसे 1 1 1 1 1 इंच के सारे इस पे जैसे बनाए हुए हैं, यही हमें कपड़े पे ड्रॉ करना है। साटन के कपड़े पे उल्टी साइड। और ये देखिए कि जब ड्रॉ करना है तो ये कपड़ा फिसलता बहुत है। इसको जमीन पे रख के टेप लगा के अच्छे से ड्रॉ करिए। और उसके बाद मैंने ऑलरेडी ये डिज़ाइन बनाया हुआ है, ये देखिए ये कितना सुंदर डिज़ाइन है। तो मैंने ये कपड़े पे पहले ड्रॉ किया था, कपड़े की उल्टी साइड में ये। तो जब हम 31 इंच ले रहे हैं, उसी में से हमें ये 2 2 इंच का छोड़ना है। जैसे मैंने ये छोड़ा हुआ है 2 2 इंच का, यहां से यहां तक ये 2 2 इंच का है। चारों ओर हमें छोड़ना है। उसके बाद हमें 1 1 इंच के ब्लॉक्स बनाने हैं इस पे। जैसे मैंने ये ब्लू कलर के बनाए हुए हैं और बीच में जो डिजाइन दिया है, जैसे ये डिजाइन दिया है, तो मैंने वो ब्लैक कलर से दिया है ताकि हमें आसानी से वो डिजाइन पता चल जाए, नहीं तो एक ही कलर में हमें दिखेगा नहीं। तो दोस्तों, अभी मैं इसे बनाना सिखाती हूँ कैसे बनाना है। तो हमें इसी का ही मैचिंग धागा लेना होगा ये, और यहां से हमें ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है इसी को हमें स्टिच करना है यहां से। ये और दूसरे कोने से यहां तक छोटा छोटा स्टिच लेना है, फिर इसे हमें ऐसे टाइट कर देना है ये। फिर इसको 3 4 बार अच्छे से टाइट करना है ताकि ये बाद में खुले ना। इसके बाद हमें ये दूसरे पे जाना है, ये जहां से ले लिया मैंने, अब इस पे जाना है। तो इतना धागा हमें लूज ही छोड़ना है। उसके बाद यहाँ टाइट करके यहां से ये बनाना है। जैसे ये दूसरा है, यहां से स्टार्ट होता है, ये तो इसे हमें यहाँ पे ही टाइट कर लेना है। ये इतना लूज छोड़ा हुआ है, ये टाइट कर लिया। उसके बाद दूसरे कोने पे वैसे ही जैसे पहले हमने किया, ये इसको ये फिर से टाइट करना है। उसको 3 4 बार अच्छे से कर लीजिए, ऐसे कर लिए हमने। उस पे
उसके बाद हमें नेक्स्ट पे जाना है। ये देखिए, और ये धागा ऐसे ही लूज छोड़ना है जैसे पहले हमने छोड़ा हुआ। सॉरी यहाँ पे नहीं है, हाँ ये ब्लैक दिख रहा है ना, ये इसे हमें वैसे ही पहले जैसा स्टिच कर देना है। ये देखिए टाइटली यहाँ से, तो ऐसे ही हमें ये सारा डिजाइन इस पे कर देना है। जैसे ये पूरा डिजाइन हमें कपड़े पे पूरा बना देना है स्टिच करके। उसके बाद ये डिजाइन कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखिए कितना सुंदर डिजाइन है। बनने के बाद ये ऐसा दिखेगा। अभी जब भी हमें इसे कवर को स्टिच करना है, तो ये जो साइड में ये फूला फूला आया है अलग से, तो इसे हमें ये जहां को भी लेयर जा रही है वहां पे हमें ऐसे फोल्ड, ये ऐसे फोल्ड कर लेना है ताकि जब हम स्टिच करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत ना आए। जैसे मैंने ये पिन लगा के फोल्ड किया हुआ है, ये देखिए जब यहाँ स्टिच आएगा तो ये डिजाइन ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो ये सारा चारों ओर से हमें ऐसे कर लेना है। उसके बाद हमें इसे पूरा स्टिच करके रेडी करना है। तो पीछे ये क्वार्टर, इसके पीछे के साइड में हमें ये है जैसे इसके बराबर ही कपड़ा 16x16 का लेके उसको यहाँ पे हम जिप भी लगा सकते हैं और एक दूसरे के ऊपर ऐसा कपड़ा भी रख सकते हैं। जिप लगा के इसको यहाँ पे पूरा अच्छे से यहाँ पूरा अटैच कर देना है। करने के बाद ये बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और डिज़ाइन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कहिए कि और डिज़ाइन बनाने को। थैंक यू।